34वां जबूर, खुदा की शफकत के लिए उसकी हम्द व सना। मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा, उसकी सिताइश हमेशा मेरी जबान पर रहेगी, मेरी रूह खुदावंद पर फख्र करेगी। हलीम ये सुनकर खुश होंगे, मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। इस गरीब ने दुहाई दी, खुदावंद ने इसकी सुनी और इसे इसके सब दुखों से बचा लिया। खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमजन होता है और उनको बचाता है। आसमां कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कुल करता है। खुदावंद से डरो ऐ उसके मुकद्दसो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। ऐ बच्चों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको खुदा तरसी सिखाऊंगा। वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जबान को बदी से बाज रख और अपने होंठों को दगा की बात से। बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का तालिब हो और उसी की पैरवी कर। खुदावंद की निगाह सादिकों पर है और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। खुदावंद का चेहरा बदकारों के खिलाफ है, ताकि उनकी याद जमीन पर से मिटा दे। सादिक चिल्लाए और खुदावंद ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। वो उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। बदी शरीर को हलाक कर देगी और सादिक से अदावत रखने वाले मुजरिम ठहरेंगे। खुदावंद अपने बंदों की जान का फितिया देता है और जो उस पर तवक्कुल करते हैं उनमें से कोई मुजरिम ना ठहरेगा।